हाँ, ये सब चीज़ आप ध्यान रखो, ये बहुत अच्छी चीज़ आप लोग बताते हैं, आत्मा खुश हो जाती है हमारी। नहीं भी सारी पानी फिर जाता, एक मिनट रुक जाना जरा। अब शो हो रहा है स्क्रीन आप लोगों को अच्छे से है? स्क्रीन अच्छे से दिख रही यस है? देखो, ये शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564, 9 दिसंबर 1608, 7 अप्रैल 1770, 14 अगस्त 1867, ठीक। अब इनके जो है लोकल का क्या नाम था? देखो, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस में हमने हेडिंग क्या डाली है? लोकल प्लेस। तो लोकल प्लेस इनका जो एक सबसे छोटा प्लेस हो सकता है, हो सकता है ये गांव, जैसे मान लो कुछ लोग गांव में पैदा होते हैं तो गांव का नाम भी हो सकता है, हो सकता है आप शहर की किसी गली में पैदा हुए हो तो गली का नाम होना चाहिए, तो ये लोकल प्लेस वही है। तो लोकल प्लेस ये है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ये इनके शेक्सपियर के गाँव का नाम है, ठीक। गाँव का नाम पूछा जाएगा तो आप अपान बताओगे, इनके जिले का नाम पूछा जाएगा तो आप आन बताएंगे, समझ रहे हैं? आन बोलोगे तो वो जिला हो जाता है, अपान बोलोगे तो उस जिले में उस गांव का जो नाम होगा वो अपान से संबोधित किया जाता है। ये ग्रामर का रूल नहीं है, ये वहां सिर्फ इन्होंने डिफरेंशिएट इसलिए कर लिया कि जिस जगह शेक्सपियर पैदा हुए थे तो स्टार्टिंग में उसको आन एवन ही बोला जाता था, लेकिन अब यह है कि उनके नाम से वो इतने फेमस आदमी थे कि उनके नाम से उन्होंने जिले का नाम पूरा रख दिया। तो जब जिले का नाम रख दिया तो अब शेक्सपियर के गांव का क्या नाम रखोगे? तो गांव का नाम ये जो है आपका अपॉन एवन हो गया। ये आधुनिक चीज है, ये अभी जल्दी में ये चीज बनी है, समझ रहे हैं? इसको ये इनको जल्दी में जिला घोषित किया गया है। तो जब जिला ये बन गया तो फिर अब ये इनको अपान करके उसे लोकल प्लेस का नाम दे दिया गया। अब यहाँ आप जरा इसको देखना, अब जैसे ये यहाँ पैदा हुए ब्रेड स्ट्रीट, ब्रेड स्ट्रीट जैसे ये शहर के आदमी हैं, ये जो पैदा हुए थे ये शहर में पैदा हुए थे, समझ रहे हैं? तो शहर में जैसे कई जो है आपके वार्ड होते हैं, तो उसमें एक आपका वार्ड क्या है? ब्रेड स्ट्रीट। तो ब्रेड स्ट्रीट में फिर और कहाँ? तो पता चला चीप साइड, इस स्ट्रीट में, ये चीप साइड में थे। फिर अब ये स्ट्रीट, ब्रेड स्ट्रीट कहाँ पड़ती है, इस मतलब किस जिले में है? या तो यहाँ आप सिटी ऑफ लंदन, ये डिस्ट्रिक्ट भी है और ये काउंटी भी है। जैसे जैसे लखनऊ, तो लखनऊ क्या है? लखनऊ आपका जिला भी है, लखनऊ आपका एक मंडल भी है, बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ वही सिस्टम यहाँ पे है, ये लंदन जहाँ ये पैदा हुए हैं, सिटी ऑफ लंदन। देखो, लंदन दूसरी चीज है, सिटी ऑफ लंदन दूसरी चीज है। तो इनके जिले का नाम पूछा जाएगा तो सिटी ऑफ लंदन है, ये सिटी ऑफ लंदन में पैदा हुए हैं। अब चले जाओ इन पे, किन पे? वर्ड्सवर्थ पे। तो वर्ड्सवर्थ में, अच्छा एक चीज हम और चीज आपको बता दें कि ये जो जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे हमने उसमें क्या बोलते हैं, कौन सी बुक है जो ठीक ठाक आप उसको मानते हो? अल्बर्ट की, अल्बर्ट है, डब्ल्यू जे लांग है, हडसन है। वहां देखेंगे, वहां शेक्सपियर में हर जगह तुमको आन मिलेगा। आप देखो कैम्ब्रिज, उसकी सॉरी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की दो बुक आती है, एक दिनीस ब्रिज करके हैं, एक दूसरे कोई राइटर हैं। तो जब दोनों का आप देखोगे तो दोनों अपने वहां पैसे लगाए हैं, तो वो चीजें आपको एडवांस में अच्छी मिल रही हैं, ठीक ठाक मिली हैं। तो वहां सीधे आप अपान देखेंगे, वहां आप देखेंगे कि ये अप्रैल यहाँ 1700 है, कुकर माउथ, ये कुकर माउथ के बाद ये कम्बल लैंड आपको जरूर मिलेगा। कम्बल लैंड इनका क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? ये लेक के आउटसाइड में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अब लेक देख के आप लेक इनको संबो जो है जोड़ना शुरू करते हैं, तो लेक में पैदा नहीं हुआ था, ये पैदा हुआ था कम्बरलैंड में, समझ रहे हैं? और ये किंगस्टन हिल इनका लोकल प्लेस भी है और किंगस्टन हिल इनका जिला भी है। किसका? कालसवर्दी का। अब ये काउंटी, डिस्ट्रिक्ट के बाद काउंटी आता है, जैसे गांव, गांव के बाद जिला, और जिला के बाद इसको आप एज ए मंडल समझ सकते हैं। हालांकि मंडल है कि नहीं है ये चर्चा का विषय है, लेकिन हाँ डिस्ट्रिक्ट से ये काउंटी आपकी बड़ी होती है। तो
अब स्ट्रेटफोर्ड आनेबन बताओ किस काउंटी में है, तो पता चला वार्विक शायर काउंटी में है। और ये वार्विक शायर काउंटी किस रेन में है, क्योंकि आपको पता है पूरे इंग्लैंड को 9 रेन में बांटा गया है, तो किस रेन में है, तो पता चला वेस्ट मिडलैंड ये रेन में है। और नेशन तो आप समझ ही रहे इंग्लैंड है। अब जैसे सिटी ऑफ लंदन, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, किसके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जहां आपके मिल्टन पैदा हुए थे वो डिस्ट्रिक्ट है। और वो डिस्ट्रिक्ट किस काउंटी में है, तो वो सिटी ऑफ लंदन, वो काउंटी का भी नाम है सिटी ऑफ लंदन। कौन सा रेन है, तो रेन पता चला लंदन है। अभी लंदन पड़ता कहाँ है, तो इंग्लैंड नामक देश में पड़ता है। अब यहाँ देखना कम्बरलैंड, ये जो आपके वो थे कौन थे, वर्ड्सवर्थ, कम्बरलैंड ये इनका डिस्ट्रिक्ट है। कम्बरलैंड किस रेन में है, सॉरी काउंटी में है, रेन के बाद काउंटी का नंबर आता है, सॉरी सॉरी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका काउंटी का नंबर आता है, तो कम्बरलैंड ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसके बाद ये कम्बरिया आपका काउंटी है, और ये कम्बरिया काउंटी किसी रेन में होगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट रेन में है। और ये नॉर्थ वेस्ट रेन आपका किस देश में पड़ता है, तो पता चला इंग्लैंड में पड़ता है। सेम चीज यहाँ है, किंगस्टन हिल, किंगस्टन हिल आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट किस आपका काउंटी में पड़ता है, तो सरे काउंटी है। और ये सरे काउंटी आपका कहाँ पड़ता है, किस रेन में पड़ेगा, तो रेन इसमें एक मिनट जरा दिख रहा है अब आपको, साउथ ईस्ट, ठीक, साउथ ईस्ट आपका रेन हो गया। ये रेन कहाँ पड़ेगा, तो इंग्लैंड नामक देश में पड़ेगा। ये इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, और ये जानकारी एकदम ऑथेंटिक है, इसमें इफ बट का कोई चांस नहीं है, आपको ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में सारी चीजें ये मिलेंगी। दूसरी चीज, अब बैप्टाइज्ड, देखो बैप्टाइज्ड सबका ढूंढोगे, सबका बैप्टाइज्ड तुमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बैप्टाइज उन्हीं का जो है पढ़ा जाता है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ जानने में दिक्कत हुई हो। अब शेक्सपियर के बैप्टाइज्ड पे जोर क्यों आप मारते हो, क्योंकि शेक्सपियर का जो बर्थ डेट है वो क्लियर है ही नहीं, तो बैप्टाइज्ड से जो है वो निकाली गई, तो इसीलिए इनका बैप्टाइज्ड पाओगे आप। बैप्टाइज्ड यहाँ आपको नहीं मिल सकती है, इस फिक्सस बनाना पड़ता है, यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग बाद के हैं। अब यहां से इतिहास आपका रिकॉर्ड में बनना शुरू हो गया, समझ रहे हैं, इतिहास में ये सब सारी चीजें रिकॉर्ड में आपकी सारी चीजें आना शुरू हो गई थी। तो अब बैप्टाइज्ड क्या होता है, जैसे आप लोगों में जो कोई भी रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन में जैसे बच्चा पैदा होता है, तो उसके तीसरे दिन उसको गिरजा घर में ले जाते हैं, तो गिरजे घर के जो पादरी होते हैं कुछ अपना धार्मिक क्रियाकलाप करके बच्चे का शुद्धिकरण करते हैं, तो उसी को बैप्टाइज बोलते हैं। तो बैप्टाइज इसका 26 को हुआ था, और किस चर्च में, तो होली ट्रिनिटी जो है, होली ट्रिनिटी चर्च है, उसमें इसका बैप्टाइज हुआ था शेक्सपियर का, 26 अप्रैल को। तो 26 में से 3 निकालोगे तो फिर पता चला कि 23 अप्रैल को ये पैदा हुए थे। अब इन सब की जैसे मिल्टन की 9 9 दिसंबर को इनके इनका जो है डेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ पता है आपको, तो बैप्टाइज अगर जो परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, पूछा भी जाता है तो 9 में 3 जोड़ देना, ये 7 को पैदा हुए तो 7 में 3 जोड़ देना, बैप्टाइज पता हो जाएगा। फिर 14 में 3 जोड़ देना, आपको उसका इनका भी बैप्टाइज पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, कोई चीज अनक्लियर हो तो बताना। देखो बैप्टाइज्ड चर्च, तो इसीलिए सबकी चर्च हमने नहीं ढूंढी है, एक जिनकी जरूरत थी उन्हीं के हमने छोड़ दिया, बाकी अननेसेसरी चीजें हमने जो है उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, दिमाग में खाका ये तभी बैठता जब ये चीज आप समझते, अदरवाइज एकदम सब कंफ्यूज कंफ्यूज से होते। देखो फादर संजोग ये अच्छा है कि सबके पापा का नाम जान ही है, सब खाने चारों खाने में तुम जान ही लिखते चले जाना। अब ये वर्षों शेक्सपियर हैं तो जान शेक्सपियर लगा देना है, तो शेक्सपियर के पापा का नाम हो गया। ये मिल्टन है तो जान मिल्टन लगा देना है, जान मिल्टन के पापा का नाम, मतलब जान मिल्टन पापा का नाम भी है, और जान मिल्टन मिल्टन के बेटे का नाम भी था जो इन्फेंसी में ही मर गया था। बात समझ रहे हैं, तो बाबा का नाम, बाप का नाम और उसके पोते का नाम, तीनों का नाम एक ही पड़ा है मिल्टन वाले केस में। अब इनके वर्ड्सवर्थ के पापा का नाम भी जान था, और टाइटल जोड़ते चले जाओ, जैसे ये जॉन शेक्सपियर, जॉन वर्ड्सवर्थ, सॉरी जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्थी, सबके पापा के नाम हो गए, चारों पापा का नाम जान ही था। मम्मी के नाम में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए, देखो शेक्सपियर की मम्मी का नाम मेरी था, मिल्टन की मम्मी का नाम सारा था, और इनकी वर्ड्सवर्थ की मम्मी का नाम एनी था।
और इनकी जो है ब्लेंसी इनका नाम था, समझ रहे हैं। और सबकी टाइटल हमने सरनेम, कभी कभी परीक्षा में सरनेम भी पूछा जाता है कि इनकी मम्मी का सरनेम क्या था शेक्सपियर की, तो ये आर्डन लगाती थी, मेरी आर्डन, ये सारा जेफरी इनका था, ये कोक्सन है और ये बेली है, समझ रहे हैं। तो ये सबकी मम्मी का नाम हमने अलग कर दिया है। फादर सकुपेशन, उसके बाद नंबर आता था कि इन लोगों के पापा क्या करते थे, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब चारों चीजें, तो जो शेक्सपियर के पापा थे ये लेदर के जो है व्यापारी थे, मतलब चमड़े के, अच्छा बाईकास्ट, ये बाउचर जो है बूचर था, बूचर का मतलब कसाई जिसको आप कहते हैं। तो कसाई लोग कौन सा काम करेंगे, बस वही काम करेंगे, या तो मीट शॉप खोल लेंगे या तो हो सकता है चमड़े का कारोबार करेंगे। तो ये चमड़े का कारोबार भी करता था, इनके पापा चमड़े कार या अनाजों के भी जो है ये मर्चेंट थे, अनाजों का भी जो है मिलते हैं, किताबों में मिलता है, समझ रहे हैं। और एक एल्डरमैन भी थे। एल्डरमैन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो है गांव में प्रधान जी होते हैं, तो प्रधान जी के बाद एक पंच का चुनाव होता है, उसको शायद आप क्या कहते हैं, पंची या पंची कहते हैं। तो वो उसी के टक्कर के ये थे, समझ रहे हैं, उस टक्कर के कुछ हैं। कहने का मतलब जो स्ट्रेटफोर्ड काउंसिल बनी थी, उस स्ट्रेटफोर्ड काउंसिल काउंसिल में ये एक एल्डरमैन थे। तो ये लेदर मर्चेंट हैं, ग्रेन मर्चेंट हैं, एल्डरमैन भी हैं, ये ऐसी सब सारी चीजें जो है इनमें थी। इतना अकुपेशन इनके पापा का था, किनके, शेक्सपियर के। अब आ जाओ इनका देख लो, इनके मिल्टन के पापा क्या करते थे, तो स्क्रिबिनर थे या प्रोफेशनल कापीस्ट थे, समझ रहे हैं। प्रोफेशनल कापीस्ट कहने का मतलब ये कापीस्ट कापी उपी का काम करते थे। दूसरी चीज कंपोजर ऑफ म्यूजिक, समझ रहे हैं, तो ये कंपोजर ऑफ म्यूजिक है। अच्छा इसमें जहां हमने ओसी लिखा है, ओसी तो ओसी का मतलब ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, ओसी टू तो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की जो दूसरी है, तो वो समझ लेना वो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की दूसरी, उसमें ये मिलेगा। ये हमने रखा है ना, जैसे मान लो कभी आपने इस पे भरोसा करके परीक्षा में किया, तो कल के डेट में हमको भी सबूत देना होगा। तो अब ये रहेगा तो इसे ढूंढने में आपको भी आसानी रहेगी, हमको भी आसानी रहेगी। तो ये तीनों क्वालिटी आपको वहां मिलेगी, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में तीनों मिल जाएगी। दूसरी चीज इनके क्या थे, और भी व्यवसाय करते थे। दूसरा क्या था, मनी स्क्रिबिनर थे, कहने का मतलब पैसे वैसे वो सूदखोरी वाला काम करते थे। बैंकर के जैसे, समझ रहे हैं। और उसके बाद ये लायर भी इनको मिलता है, और ये लायर कहाँ मिला है, ये अल्बर्ट में मिला है, समझ रहे हैं। तो बाई द वे मान लो न दिया, स्क्रिबिनर नहीं दिया गया, म्यूजिक के कंपोजर नहीं दिया गया, किसी किसी किताबों में म्यूजिक का कंपोजर भी इनको दिया गया है, तो स्क्रिबिनर न मिला आपका जो है, न मिला वो क्या बोलते हैं, तो आप इनको लायर मिल गया तो क्या करोगे, तो पता चला लायर में टिक कर दो, समझ रहे हैं। तो लायर मिलने का आधार ही अल्बर्ट है, यही सब सारी चीजें। चलो अगला देखते हैं, इनका देखो इनके पापा क्या करते थे, बस यही सब है लिटरेचर में, यही अम्मा जानो, उनके पापा जानो, उनके बाबा जानो, यही सब जाने रहो। तो अब ये वर्ड्सवर्थ के पापा क्या करते थे, अल्बर्ट में देखो क्या लिखा, अटर्नी थे, समझ रहे हैं, सॉरी अल्बर्ट में क्या लिखा, ये लायर थे, अल्बर्ट में इनको लायर दिया है। ऑक्सफोर्ड टू मतलब पहली वाली ऑक्सफोर्ड नहीं, जो दूसरी वाली है, दिनिस ब्रिज वाली नहीं, दूसरी वाली है, इसमें इन्होंने इनको अटर्नी बताया है। वर्ड्सवर्थ के पापा क्या थे, अटर्नी थे। उसके बाद आ जाओ, और कुछ है नहीं, इनके पापा और नहीं, बस इनमें इतना ही। अब आ जाओ इनके, इनके पापा लायर थे, गालसवर्दी के पिताजी, इनका व्यवसाय क्या था, ये लायर थे, और दूसरा कुछ मेंशन है नहीं, इनका कहानी खत्म। अब आ जाओ सबकी प्राइमरी एजुकेशन, कहाँ प्राइमरी पाठशाला में पढ़े हैं, तो जो ये थे शेक्सपियर, लोकल ग्रामर स्कूल एट स्टेटफोर्ड, ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में आपकी दी गई, सेंट पॉल स्कूल लंदन, ये जो है वर्ड्सवर्थ का है, समझ रहे हैं। और इनका जो है क्या स्कूल था, द इन्फेंट्स स्कूल इन पेंड्रिथ, एंड इतने मतलब ये सब सारी चीज दी गई है। उसके बाद हाउक्स हेड में भी गए हैं ये, प्राइमरी एजुकेशन के दौरान में हाउक्स हेड ग्रामर स्कूल, ये सब इनका सबका जो है वर्णन मिलता है। किसके लिए ये सब है, ये आपका वर्ड्सवर्थ के लिए है।
फिर इसके इनमें चले जाओ गाल्स वर्दी में, तो ये हारो में पढ़े थे, समझ रहे हैं? ये हारो आपको मिलेगा अल्बर्ट में, जो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में मिला। तो मैंने सिर्फ ऑक्सफोर्ड कंपेनियन का ही जिक्र किया है, फर्स्ट वाली को पहली, दिनेश ब्रिज को पहली वरीयता दी गई है, उसके बाद दूसरे को, तब तीसरे भी देखने का हमने प्रयास किया, जैसे एडिसन फर्डसन इस टाइप के जो हैं। हायर एजुकेशन में तो ये तो शेक्सपियर हायर एजुकेशन पढ़े ही नहीं थे, ये कहाँ पढ़े थे? क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े थे, समझ रहे हैं? कौन? मिल्टन। और वर्ड्सवर्थ आपके कहाँ पढ़े थे? ये जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े थे, ये क्रिस्ट कॉलेज में था और ये जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में था। और ये जो आपके कौन थे, गाल्सवर्दी, ये न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, समझ रहे हैं? ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ये सब यूनिवर्सिटी है सारी, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ये सब आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, और उसका वो उनका एज ए डिग्री कॉलेज समझ लेना। ऊपर जो है जैसे क्रिस्ट कॉलेज है, वो उनका डिग्री कॉलेज समझ लेना, नीचे जो है आपकी वो क्या दी गई, यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं। अब सबके स्कूल फ्रेंड भी होते हैं, तो जिनका स्कूल फ्रेंड का जिक्र है, ज्यादा जानना जरूरी है, उन्हीं का होगा। अब जैसे शेक्सपियर पढ़ने वढ़ने में था नहीं, तो स्कूल के इसके कोई फ्रेंड वेंड का जिक्र नहीं है, बना होगा तो बना होगा लेकिन किताबों में जिक्र उक्र नहीं है, ठीक है? तो हमने कटी कुट कर दिया है। इसका स्कूल का कौन फ्रेंड था? मिल्टन का, तो चार्ल्स डियोदी थी, इसका स्कूल का फ्रेंड था। कौन सा स्कूल? वही सेंट पॉल वाला जो स्कूल था, नहीं वह वहीं का था। अब स्कूल फ्रेंड इनका भी कोई नहीं था, कि जो है क्या बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ का, समझ रहे हैं? कोई उसका विशेष जिक्र इनका नहीं मिलता है, और इनका भी स्कूल फ्रेंड कोई उस टाइप का नहीं था। कॉलेज फ्रेंड कौन था? तो शेक्सपियर तो कॉलेज गए ही नहीं, तो इनका कॉलेज फ्रेंड होने कोई संभावना नहीं बन रही है। अब ये गया था, एडवर्ड किंग इसका था, जॉन वर्ड्सवर्थ, सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ में भी कॉलेज के फ्रेंड का कोई विशेष उल्लेख इनमें नहीं मिला है। ये जहाँ कॉलेज वाले से पढ़े थे, तो वहाँ मतलब डिग्री कॉलेज में, वहाँ से भी इनका कोई उल्लेख नहीं था, वे इधर इनका भी उल्लेख नहीं था। तो कॉलेज फ्रेंड में सिर्फ उल्लेख मिलेगा आपको किनका, जॉन जॉन मिल्टन का। चलिए अब अगला देखो, प्रोफेशनल फ्रेंड। प्रोफेशनल फ्रेंड क्या होता है? कहने का मतलब, अब कॉलेज फ्रेंड के अलावा जब इनका लिटरेरी करियर स्टार्ट हुआ है, तो उस समय इनके दोस्त कौन कौन से थे? तो प्रोफेशनल फ्रेंड में शेक्सपियर के बेन जॉनसन थे। पहले ये इनका क्रिटिक था, इनकी बड़ी आलोचना करता था इनको, लेकिन बाद में जो है इसके साथ इन्होंने मिलकर काम वाम किया, तो दोनों की दोस्ती हो गई थी, तो ये प्रोफेशनल फ्रेंड था। और इनके मिल्टन में ऐसा कोई प्रोफेशनल फ्रेंड स्पेशली नहीं था, लेकिन ड्राइडन, और ड्राइडन अगर जो मध्यस्थता न किए गए होते, तो मिल्टन बेटा फांसी हो गई होती, समझ रहे हैं? तो आप इनको ऐसे भी मान सकते हैं कि इसने भी मदद उदत इनकी जो है काफी की थी। और इनके कॉलरिस थे, हालांकि कॉलरिस से लड़ाई झगड़ा, ये लोग अफीम गांजा दारू पी के जो है आपस में मारपीट कर लिए थे, समझ रहे हैं? और इनका इनका कोई ऐसा जो सब कॉनराड रोनार्ड इनके लिए मिलते हैं, उनका बड़ा योगदान था, समझ रहे हैं? गाल्स वर्दी में जोसेफ कॉनराड को आप ऐड कर सकते हैं। हमको ऐसे डायरेक्ट जो है किताबों में लिखा मिला है, लेकिन वो उतना हमने वो जरूरी नहीं समझा, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको हम मेंशन करके देंगे जब ये आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो अब उसके बाद प्रोफेशनल फ्रेंड के बाद नंबर आती है किसकी कब शादी हुई। शादी भी चारों लोगों के साथ में आप देख लेना, ये 28 नवंबर की शादी हुई है इनकी। किनकी शादी हुई है? 1882 में, ओ सॉरी 1582 में शादी हुई है इनकी, शेक्सपियर की। और इनकी शादी कब हुई है? देखो सबसे ज्यादा शादी किसने की है? मिल्टन ने की। मिल्टन से ज्यादा शादी वादी कोई कर नहीं पाया है, भले आंख का अंधा था लेकिन शादी के मामले में बहुत धनी आदमी था, ठीक है? तो इसके अंधेपन पे न जाना आप, शादी के मामले में चारों लोगों ने नंबर काट दिया था। और इसके लिए हमको कालम बहुत बनाने पड़े। देखो मैरिज वन, मैरिज टू, मैरिज थ्री, समझ रहे हैं? इन्हीं चक्कर में मैरिज बनाने पड़े। मैरिज बहुत किया लेकिन इसके बच्चे उतने नहीं थे जिस हिसाब से मैरिज किया था। देखो इसकी पहली मैरिज हुई है किसकी? मिल्टन की, 1642 में। तुमको हडसन में, डब्ल्यू जे लांग में, संभवता अल्बर्ट में आपको जो है 43 मिलेगा, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में 42 है, इसको हमको परीक्षा में 42 ही टिक करना है, क्योंकि उससे जबरदस्त डेट्स के मामले में कोई किताब नहीं है। तो आपको क्या इसको टिक करना है? 1642,
किसके साथ हुआ था? मेरी पावल के साथ हुआ था। मिल्टन क्या था? मिल्टन 33 साल का था और मेरी पावल 17 साल की थी। ये भी उसमें मेंशन है कि 33 और 17, 34 न मान लेना, कुछ किताबों में 34 दिया है, लेकिन ये देखो लास्ट में हमने उसी लिख भी दिया है, ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में 33 और इसको 17 माना गया है। इधर देखो, ये इनकी मैरिज जो है इनसे हुई थी, किससे हुई थी? वर्ड्सवर्थ की मैरिज 1802 में मैरी हटिंसन से। ये भी ये ऑक्सफोर्ड 2 में इसका वर्णन है, ऑक्सफोर्ड 1 वाले में जो है उसका वर्णन नहीं दिया गया है। अब इनकी 1904 में हुई थी, अदा नेमिसिस पियर्सन कूपर इनके साथ हुई थी, सॉरी 1905 में इनकी हुई थी, चार ये वैसे मिस्टेक से आ गया है। बात समझ में आ गई सबकी मैरिज? बोर हो रहे हैं आप लोग? देखो, अब दूसरी शादी किसी की नहीं हुई है, न शेक्सपियर कर पाया है, न वर्ड्सवर्थ कर पाए हैं और न आपके जो है गालसवर्दी कर पाए हैं। दूसरी शादी किया है कौन? देखो सबसे तगड़ा यही था आपका, जुलाई में जब पहली पत्नी इसकी मर गई है, सॉरी देखो 1600, यार ये क्या हुआ? सर, इस सेकंड वाली तो डेट गड़बड़ हो रही है। नहीं, इसमें दरअसल कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई, सेकंड नहीं, इसको थर्ड होना चाहिए था। देखो वो दोबारा से लिख गया है, उसका कोई मतलब नहीं। चलो इसको देखो, दूसरी आप इसको समझ लेना। और ये भी अभी आपकी जो है पहली मैरिज के बारे में ही बात जो है चल रही है, 3 पॉइंट में हमने उसको बताया था, दूसरी मैरिज अभी नहीं है वो हमने आपको। देखो तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, फर्स्ट वाइफ इसकी जो थी वो 1652 में मरी है, ठीक है? 3 डेज आफ्टर द बर्थ ऑफ थर्ड चाइल्ड डॉटर डिबोरा, समझ रहे हैं? ये डिबोरा जो इसकी डॉटर थी उसी के जो है मरी थी। अच्छा एक चीज, इसके जितने भी मिल्टन के बच्चे थे सब पहली पत्नी से थे, समझ रहे हैं? पहली पत्नी से ही इसके 4 बच्चे हुए थे। तो इसका जो लड़का था, लड़का इसका मर गया था इन्फेंसी में ही। सबसे छोटी कौन थी? सबसे छोटी तीसरी वाली लड़की थी। तीसरी वाली लड़की की पैदा होने 3रे दिन बाद इनकी मम्मी चल, कहने का मतलब इसकी पत्नी मेरी पावेल जो है मर गई थी, सबसे छोटी लड़की है। अच्छा एक करामात आप और देखना कि 1652 में ही इसके 2 बच्चे हुए हैं, एक तो वो लड़का हुआ है जॉन, और उसी उसी ईयर में, सेम उसी ईयर में जो है इसको ये भी पैदा हुई है, लड़की भी पैदा हुई है, समझ रहे हैं? तो 1652 में इसके दो, जो कहने का मतलब इसके 2 बच्चे पैदा हुए हैं। और ट्वाइन का जिक्र नहीं है, ऐसा नहीं कि ट्वाइन लिखा होता, तो ट्वाइन अगर जो लिखा होता, कि जैसे हम लोग कभी कभी लगाते हैं अनुमान की ट्वाइन हो सकते हैं, तो ट्वाइन इसलिए नहीं है कि ट्वाइन अगर जो, क्योंकि किताब में मैंने स्पष्ट लिखा देखा है कि वहां लिखा था कि ये कहने का मतलब था, वो जो इसकी थर्ड डॉटर डिबोरा उसके जो है चाइल्ड बर्थ के दौरान ये मरी थी। अगर जो थर्ड डॉटर क्यों जिक्र करता तो वहां फिर ट्वाइन लिखता या जो है जॉन भी लिखता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ये भी ऑक्सफोर्ड 2 में इसका जो है जिक्र किया गया है कि ये जो हम आपको ये वाला पॉइंट बताए हैं 52 में कि 3 डेज आफ्टर द बर्थ ऑफ थर्ड चाइल्ड डॉटर, समझ रहे हैं? ये चीज होती। दूसरी शादी इसने की है, दूसरी शादी की है 1656 में। कौन था? कैथरीन उडकोक थी, समझ रहे हैं? और तब उसकी एज कितनी थी कैथरीन की? 28 साल की होती, समझ रहे हैं? और ये मरी के मरी कब है? 1658 में मर गई है। अब ये भी चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मरी है, और ये भी मर गई, इसका बच्चा भी मर गया, समझ रहे हैं? तो ये ऑक्सफोर्ड 2 में इसका जिक्र मिलता है आपको। और डॉटर कुछ ही महीने जिंदे रही थी, उसके बाद मर गई है। देखो फिर इसके बाद इसने तीसरी शादी की, बड़ा हिम्मती था, एक एक गई तो कोई बात नहीं, दूसरी गई तो कोई बात नहीं, तीसरी फिर ले आया। इसमें क्या था, 1663 में लाया एलिजाबेथ मिंचुल को। तो पहली पहली वाली इनके चक्कर में मर गई, दूसरी वाली इनके चक्कर में मर गई, तीसरी ने इनको मार डाला, तो तीसरी वाली इनके ऊपर हावी थी, ये मंगल शनि टाइप की थी। तो एलिजाबेथ मिंसुल थी ये था, लास्ट में जो है काफी दिन तक ये भी जीवित उवित रही।
ये चीज थी। तो इनकी मैरिज निपट गई। एक मिनट जरा रुक जाना, मेरी अटेंशन। अब देखो चिल्ड्रन पे आ जाओ, स्पेशली चिल्ड्रन पे चर्चा करते हैं। शेक्सपियर का जो पहला बच्चा पैदा हुआ था 1583 में हुआ था, सुसाना उसका नाम था। 26 मई को ये पैदा हुई थी, समझ रहे हैं? ये भी अथेंटिक सोर्स से ये है। 26 मई 1583 ये सुसाना आए थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, संभवतः ये बैप्टाइज्ड डेट है, बर्थ डेट है कि नहीं है, ये अभी मेरे मन में कंफ्यूजन आ गया। मैं इसको 26 को एक बार चेक करूंगा कि ये बैप्टाइज्ड है कि बर्थ है, क्योंकि उस समय मैं इसको लिखना भूल गया। ठीक है, ये बैप्टाइज्ड है सर एकदम क्लियर है? किस बुक से जी। आप बोल रहे हो, किस बुक से? आप उसको चूरन छाप बताओगे? तो चूरन छाप रहेगी भाई, चूरन छाप बताया जाएगा। अरोड़ा की बुक से बता रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं वो अरोरा बुक बड़ी गड़बड़ है, कहा है नहीं, लेकिन ये दिल को सर। भरोसा नहीं सर होता क्विज में अभी। भी ये चीज मेंशन थी ना आपके अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन अब अभी मन में जी। शंका आई है तो एक बार मैं इसको देखूंगा। अभी ग्रुप में मैसेज कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अब आपकी देखो नौकरी का सवाल है, नौकरी कहने का मतलब जिंदगी होती है। एक एक क्वेश्चन अगर जो कहने का मतलब वैसे हम उसको हल्के में लेंगे तो फिर हो चुका। जो चीज है वो सब आपके सामने एकदम क्लियर खुल के है। वो अगर जो आपको ये क्लियर वेरीफाई पता है करके बर्थ या ही चलो है तो चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि हम वेरीफाई इसको करके हम आप ग्रुप में मैसेज करेंगे। चलो सर, ये बैप्टाइज डेट ही है सुजाना की। हाँ, लेकिन अब हमको भरोसा हो जाए ना। मैं बुक देख के बोल रही हूँ इसलिए बता रही अच्छा, वो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन है आपके पास? जी, इसीलिए बोल रही। हाँ तब ठीक है भाई, मान लो, क्योंकि ये जो है इनके पास है, हमको पता है, ये सही बताएंगे। अभी ये हम मेंशन करके आपको दे रहे हैं। माइक बंद कर लो भैया। अब देखो शेक्सपियर का जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ था वो जुडिथ थी, ये फिर आपको 2 को आई है, 2 फरवरी को 1585 में आए थे, दोनों आए थे, समझ रहे हैं? ट्वाइन थे, यहाँ पे ट्वाइन कायदे से जिक्र हुआ है। तो टोटल इनके 3 बच्चे थे। अब ये जो ये था हेमनेट, इनका था बच्चा, ये 1596 में मर गया था। 1596 मुझे क्यों याद है, क्योंकि 1596 में ही इनकी मर्चेंट ऑफ वेनिस आई थी। ठीक है, तो जिस साल मर्चेंट ऑफ वेनिस आई थी उसी साल इनका जो है था। और उसके बाद इनको दो के, मतलब ये ट्वाइन और प्लस एक ऊपर, इसके अलावा इनको बच्चे उच्चे नहीं थे। अब चलो जिनके बच्चे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो अब आ जाओ मिल्टन पे, इनका पहला बच्चा हुआ था, पहली इनकी डॉटर थी, समझ रहे हैं? पहली लड़की हुई थी। और एन अप्रॉक्स जो है ये 1646 में जो है इसका जन्म हुआ था। अप्रॉक्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें लिखा था कि 45 में जो है जो इनकी वाइफ थी मेरी पावेल, ये दोबारा इनके पास आई थी। ठीक है, तो उसके कुछ मंथ बाद उसमें ऐसा लिखा था, मतलब कुछ मंथ बाद उसको जो है बच्चे हुए थे, तो वही अनुमानित है 1646 हमने यहाँ पे आपको बताया है। अच्छा, दूसरा दूसरा इनका क्या था, दूसरी भी इनको लड़की हुई थी मेरी पावेल से हुई थी, समझ रहे हैं? अब वो डॉटर थी मेरी, उसका नाम था, ये आया था आपको 1648 में, समझ रहे हैं? इसका भी वही जिक्र मिलता है। थर्ड इनका चाइल्ड जो है वो भी डॉटर थी, उसका नाम था डिबोरा, और इसी के चाइल्ड बर्थ में ये मर गई थी, समझ रहे हैं? अब ये जो इनका बच्चा था ये भले बाद में लिखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिबोरा से पहले पैदा हुआ था। ये सन था 1552 में पैदा हुआ था, इन्फेंसी में ही ये मर गया था, इसका भी जिक्र आपके ऑक्सफोर्ड में मिलता है। अब इनमें वर्ष वर्ष में इनके बच्चे का बहुत ज्यादा कोई खास, कोई जो है किसी बुक में, अथेंटिक बुक में कोई स्पेशल जिक्र नहीं मिला है। आपको जो है लोकल चूरन छाप किताबों में सोर्स मिला है कि इनके टोटल 5 बच्चे थे, इंक्लूडिंग जो है डोरा, समझ रहे हैं? ये डोरा हालांकि कुछ दिन बाद मर गई थी,
समझ रहे हैं? तो टोटल इनको कुल मिला जुला के 5 बच्चे थे, पांचों का क्लियर क्लियर कोई ऐसा जिक्र नहीं है, और जहां जिक्र भी है तो वो किताबें ऑथेंटिक नहीं थी, इसलिए हमने उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा। और ये जान गाल्स वर्दी, तो इनको तो बच्चे नहीं थे, और अब समझिए कि बच्चे नहीं थे तो ये हम लोगों के लिए आसान पैदा, कहने का मतलब आसानी कर दिए, नहीं तो इनके भी होते तो हम लोगों के इनको भी याद करना पड़ता। अब लव अफेयर जो है, जिसे किए तो बहुत होंगे लेकिन जो जग जाहिर हुआ उसी को माना जाएगा। जैसे शेक्सपियर बहुत बड़ा मोहब्बतबाज था, लेकिन इसकी मोहब्बत पर्दे के पीछे ही रह गई, कभी सामने खुल के नहीं आई, इसलिए इनके खाने में कटीकुट। ये वर्ड्स जॉन मिल्टन, तो ये हमको तो नहीं लगता है कि मोहब्बत ज्यादा करने वाले इंसान थे, ये लीगल मोहब्बत करने के जो है चक्कर में ज्यादा रहते थे, तो इसलिए इनमें भी बहुत ज्यादा कोई खास वास दिखा नहीं। और ये तगड़ा मोहब्बतबाज यही था वर्ड्सवर्थ, समझ रहे हैं? अब इसकी मोहब्बत लोकल की मोहब्बत नहीं थी, अपनी देश छोड़ के दूसरे देश में जाके मोहब्बत करके आया है, समझ रहे हैं? वो भी अपना जो है कहने का मतलब अपनी एक प्रतिलिपि निकाल के आया, इसकी एक वहां पे डाटर पैदा हुई थी एनिटी बालोन जो है। और ये अप्रॉक्स लगभग वही आप मान के चले 1792 की आस पास, तो मामूली जादूगिरी जो है वर्षवत नहीं किए थे, बहुत बड़ी जादूगिरी किए थे ये, इनको हल्के मत लीजिएगा। और इनका भी कुछ अफेयर अफेयर था, लेकिन इनका अफेयर भी जान गाल्स वर्दी का भी दिखा था, जैसे अदा से पहले भी एक आग लड़की से शायद 2 महीने इनका अफेयर चला था, तो इनके इनके पापा इनको वर्ल्ड टूर पे भेज दिए थे उसी का अफेक्शन जो है भुलवाने के लिए, लेकिन वो किसी ऑथेंटिक बुक का ये ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ वैसे मैंने आपको दे दिया है। लेकिन इनका लास्ट में वही एक मैरिज इनकी खुल के सामने आई है जान गाल्स वर्दी की, ये ऐसा कोई इनका स्पेशल लव अफेयर अफेयर नहीं था। अब देखो डेथ डेट में 23 अप्रैल 1616 ये मर गए हैं, समझ रहे हैं? और आप ये मान के चलना कि 1674 में ये मरे हैं आपके कौन, जॉन मिल्टन, और 23 अप्रैल 1850 में ये मरे हैं आपके क्या नाम है इनका, वर्ड्सवर्थ, और 31 जनवरी 1933 में आपके गालसवर्दी मरे हैं। ये किससे मरे हैं? फीवर से मरे हैं, गाउट से मरे हैं, प्लूरेसी से मरे हैं, और ब्रेन इनको ट्यूमर था गाल्सवर्दी को, समझ रहे हैं? प्लूरेसी इनको थी, फेफड़े की बीमारी होती है वर्ड्सवर्थ को, गाउट इनको था, क्या बोलते हैं मिल्टन को, और इसको फीवर हो गया था। ये फीवर वाली जानकारी ऑथेंटिक नहीं है, ये चूरन छाप सोर्स है, लेकिन ना ही मामा से अच्छा काना मामा होता है, जैसे मामा अगर जो आपके नहीं है तो इनसे अच्छा काना मामा ही माना जाता है, तो अगर जो कुछ नहीं था तो चलो परीक्षा में आ जाता है, तो फीवर आप टिक कर दीजिएगा। बरीड चर्च, कहाँ बरी हुए थे कहने का मतलब, कहाँ कहाँ इनका हुआ था, तो होली ट्रिटनी में ये जो है इनका हुआ था, समझ रहे हैं? स्टिगलीस क्रिपिल गेट में जो है ये हुए थे, अपने पापा की कब्र के एकदम जस्ट बगल में इनकी जो है कब्र बनाई गई थी मिल्टन की, समझ रहे हैं? एस्टी ओसवाल्स चर्च ग्रेसमियर में जो है वर्ड्सवर्थ जो है थे, और इनकी जो है राख को जो है उसमें उड़ा दिया गया था हवा में, क्या बोलते हैं गाल्सवर्दी के। टोटल इनकी टोटल यही कहानी है इतने लोगों की, ठीक है? ये चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एक चीज अभी हम और मेंशन करेंगे, अवार्ड कि किसको कितने कितने अवार्ड मिले हैं, समझ रहे हैं? जैसे अवार्ड भी कुछ लोगों को मिले हैं, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि जो चीजें कॉमन थी वो आपको जो है प्रोवाइड ये दे के, और ये एक पन्ने की नोट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? इसके रिगार्डिंग किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताओ। चलिए।